अस्सलाम वालेकुम, मैं शुमेर ज़्यादा आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खरीद से होंगे और अगर अपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज जो है वो मेला वही मेला, क्योंकि ये चलता रहता है इसी तरह से। हमारा जो टाउन है उससे अगले सिटी में है और वो सिटी यहाँ से तकरीबन है 50 किलोमीटर, और आज हमें 50 किलोमीटर सफ़र करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ अपने गांव वाला मेला दिखा नहीं सके। तो अब 50 किलोमीटर दूर वाला मेला आपको दिखाने के लिए हम निकल रहे हैं यहाँ से, और मेरे साथ आज जा रहे हैं जी अतीक। अतीक को क्योंकि जो है वो स्कूल से छुट्टी थी, इसलिए मैंने कहता जी मैं भी मेले पे जाना है, तो मैंने कहा चलो जी चले मेरे साथ। और अभी हम निकलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते, रास्ते की व्यूज़ भी शेयर करूँगा आपके साथ और देखते हैं। अपने गांव का मेला तो मैंने वैसे पहले भी देखा, लेकिन उस शहर का मेला मैंने फर्स्ट टाइम देखना है। देखते हैं एक साथ। दिन के 11 बज गए हैं और अब हम निकल रहे हैं अपने गाँव से मेले की तरफ। काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार देखना है उस गाँव का मेला। और ईमान को आज स्कूल से छुट्टी थी इसलिए जो है वो काम पे लग गई है, कह रही थी भाई मुझे भी मेले पे जाना है। मैंने कहा लड़कियां नहीं जाती मेलों पे, तो इसलिए बेचारी चुप करके अपने काम में लग गई है। तो अभी हम जो है वो रेडी हो गए हैं जाने के लिए। अतीक कैमरे में भी नहीं देख रहा, देखो यार शर्माता है ये बंदा कैमरे से। और हाँ ईमान ईमान उसी गल होती, मेनू मेले तो नहीं लाया गया है ना। कोई नहीं कोई नहीं। माँ जी को गुड बाय कह दिया, माँ जी के वो अल्फाज अमान हवाले रब दे वो सुन लिए हैं और अभी निकल रहे हैं हम जी। हम अपने टाउन पहुँच आए हैं, तुलुम्बा टाउन। अपने गांव से हमारे टाउन तक पहुँचने में हमें 10 मिनट लगे हैं, मतलब कि थोड़ा सा ही सफ़र है, इतना ज़्यादा दूर नहीं है। हमारा तुलुम्बा जो है ये भी काफ़ी कदीम शहर है, और ये है जी मस्जिद, यहाँ की जामा मस्जिद, और इसे मौलाना तारिक जमील वाली मस्जिद भी कहते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि जो मौलाना तारिक जमील साहब हैं वो भी गवा ढीण मेरे, वो भी मतलब कि वो भी तुलुम्बा के रहने वाले हैं। अभी हम रेलवे फाटक क्रॉस कर रहे हैं, ये मखदूमपुर एक छोटा सा कस्बा है, इस फाटक को मखदूमपुर वाला फाटक कहते हैं। इस इलाके में जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि यहाँ पर दरख्त बहुत कम है और हीट जो है वो ज़्यादा महसूस हो रही है दरख्तों की वजह से। दरख्त लगाओ यार, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाओ। M4 हम क्रॉस कर रहे हैं अभी। प्यास लगी है थी, काफ़ी सुकून है यहाँ पर। मोटरवे का जो अंडर पास है ना वहाँ पे हम रुक गए। यहाँ पर हमने देखा है कि इमली आलू बुखारे का शरबत बेच रहा है एक छोटा सा भाई, सोचा पिया जाए। तकरीबन 30 किलोमीटर सफ़र करने के बाद जो है यहाँ पर हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, और हमें मिल गया था यहाँ पर इमली आलू बुखारे का शरबत, वो भी पीते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं। दिखने में काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। ले थैंक यू। पियेंगे जी आप? माशाल्लाह अच्छा जायका है, और थोड़ा थोड़ा वो है खट्टा खट्टा, एंड आई लाइक खट्टा। थैंक यू। 30 रुपीज़ का हमें ये पर ग्लास मिला है, काफ़ी मज़ेदार था। पर्दा नहीं होना क्यों? बहरहाल देखो अगर होता है गुजारा तो आप स्कूल जाया करो, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, हम आगे पेट्रोल डलवा लेते हैं, अब फिर निकलते हैं। और वैसे भी हम पहुंच गए हैं, थोड़ा ही सफ़र रह गया बाकी।
क्या क्या लिया है मेले से आपने? क्या क्या लिया बताओ? मेले से क्या क्या लिया है? पिस्तौल लिया है? क्या करना है पिस्तौल का? ये कपड़े बड़े प्यारे पहने हुए, कहाँ से लिए हैं ये? आपने क्या लिए? ये क्या चीज है? मजा आया? एंजॉय किया? सही बाबा के पैसे लगवाए हैं ना? आपकी ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा है। शीरा बना हुआ है? सही बिलंगुआ। लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा शोर था, बात बिल्कुल नहीं हो सकती थी। और अभी हम वापस आ गए, शहर में ही हैं। इस शहर में मेरे एक दोस्त रहते हैं, तो हम उनके पास अभी आ गए हैं और सोचा आपसे बात की जाए। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी और शोर शराबा इतना ज़्यादा था ना, क्या बताऊँ। इसलिए जो है वो सिर्फ दिखा पाया आपको, कुछ बोल नहीं सका। और मैंने सोचा था कि वापस जाके जो है ना वो गपशप की जाएगी आपसे, और मज़ा आ गया आज मेले का पहली दफ़ा। वैसे मैंने अभी जो है मैं दोस्त के पास आ गया हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा स्टे करेंगे और उसके बाद शाम को निकलेंगे। टाइम जो है वो दिन के 3 बज गए, 11 बजे हम आए थे, 3 बजे तक से खजल खार हुए हैं हम। किया गया बर्गर और साथ में गंडेरी हैं, कोल्ड ड्रिंक भी हैं लगी है। और बिस्मिल्लाह करते हैं, बर्गर ट्राई करते हैं, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बिस्मिल्लाह। पेट पूजा हो गई है हमारी, खाना वगैरह खा लिया हमने, और 1 घंटा स्टे करने के बाद अब हम वापस घर की तरफ निकल रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।